इतिहास के युद्धों के बारे में हमसे पूछे। आरएनपी मीडिया, सब्सक्राइब करें आरएनपी मीडिया। वाटरलू का संग्राम 1815 ईस्वी सन। यह प्रसिद्ध संग्राम महासेनानायक नेपोलियन तथा अंग्रेज सेनानायक वेलिंगटन के मध्य 18 जून 1815 ईस्वी सन को लड़ा गया। वाटरलू बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के दक्षिण में स्थित है। इस संग्राम का विशेष महत्व इसलिए है कि जिस नेपोलियन का लगभग समस्त यूरोप पर अधिकार हो गया था, उसे इस संग्राम में अपनी ही भूल के कारण पराजित होना पड़ा। जिस महान योद्धा के नाम से अनेक सेनापति भयभीत हो जाते थे, आखिर उसे ही इस संग्राम में पराजय स्वीकार करनी पड़ी। यह उसके जीवन का अंतिम अभियान था। इस संग्राम में पराजित होने के पश्चात वह फिर कभी नहीं उठ सका। यह युद्ध आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके साथ ही फ्रांसीसी सैनिक प्रवृत्ति एवं अधिनायकवाद पर यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो गई थी तथा ब्रिटिश पद्धति की श्रेष्ठता भी प्रमाणित हो गई। इस युद्ध के साथ ही नेपोलियन की विशाल साम्राज्य की इच्छा का भी पतन हो गया। नेपोलियन वैसे तो बहुत ही समझदार व्यक्ति था, फिर भी उसके सामने एक ऐसी समस्या थी कि वह युद्ध के लिए किस प्रकार और कैसे अपनी सेना तैयार करे, उसका निर्देश व निरीक्षण परीक्षण किस प्रकार हो। इसी दौरान उसके अनेक योग्य सेनापति लुई 18वें से मिल गए थे तथा उसे फ्रांस की गद्दी पर बिठा दिया गया था। इन समस्याओं के बावजूद उसमें सैनिक क्रांति का चिराग जगमगाता रहा और उसने कई लाख सेना संगठित कर ली। नेपोलियन के संबंध में एक अन्य मार्य 1914 को इसलिए हुई क्योंकि जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने नेपोलियन के साथ भाग जाने की खबर सुनते ही कि वह इल्बा द्वीप से भी भाग गया है, तो उन्होंने इस समझौते के लिए स्वयं को तैयार किया। यह समझौता चाओ मोरे में हुआ। इस संधि का मुख्य लक्ष्य भविष्य में यूरोप को नेपोलियन के अधीन न होने देना था। फ्रांस एवं समस्त यूरोप में नेपोलियन के सैनिकवाद से लोग बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को यह संदेश दिया कि वह उसकी रक्षा के लिए वापस आया है और क्रांति से जो जनता को लाभ हुआ था वह संकट में पड़ गया है, अतः आप सभी का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। परंतु इसका विशेष लाभ नहीं हुआ। साथ ही उसने यह भी कहा कि भविष्य में शांति का मार्ग अपनाएगा, किंतु मित्र राष्ट्रों को उसके भाषा पर विश्वास नहीं था। नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों की सैनिक तैयारी का अनुमान लगाकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी, किंतु उसे इस बात का भी सही अनुमान नहीं था कि मित्र राष्ट्र जुलाई से पूर्व ही संगठित होकर उसके विरुद्ध अपना अभियान आरंभ कर देंगे। उसकी यह योजना थी कि वह एक एक करके सभी देशों को अपना शिकार बना लेगा। उसने पूरे देश में लगभग 3 लाख सैनिकों को भर्ती करके प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी मैदानी सेना के साथ सीमावर्ती सेना को भी तैनात किया। इस युद्ध में नेपोलियन की ओर से कुल 71,947 सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें 48,950 पैदल सैनिक, 15,765 अश्वारोही सैनिक, 7,232 तोप सेना और 246 तोपे थी। वही ड्यूक और बेलिंगटन की ओर से कुल 37,655 सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें 49,608 पैदल सैनिक, 12,402 अश्वरोही सैनिक, 5,645 तोप सेना और 246 तोपे थी। इसमें सिर्फ 24,000 ब्रिटिश सैनिक थे, साथ ही लगभग 6,000 जर्मन लीजन के सैनिक भी ड्यूक के साथ थे। जिस समय संघर्ष आरंभ होना था, उस समय वेलिंगटन की सेना की स्थिति तथा नेपोलियन सेना की स्थिति इस प्रकार से थी कि वेलिंगटन ने सबसे आगे अपनी पैदल सेना को लगा रखा था तथा दोनों पार्श्व व पृष्ठ भाग में अपनी अश्वरोही सेना को तैनात किया था। दूसरी ओर नेपोलियन ने अपनी सेना के अग्रभाग में तोपों को तैनात किया, उसके पीछे पैदल सेना व उसके दाई बाई पार्श्व के साथ पृष्ठ भाग में भी अश्वरोही सेना को तैनात किया। वेलिंगटन की प्रथम रक्षा पंक्ति पहाड़ी के पीछे की ओर सुरक्षित थी। यह युद्ध प्रातः 11:45 पर 18 जून को आरंभ हुआ। युद्ध के आरंभ होते ही नेपोलियन के सैनिकों ने तोपों को फायरिंग करना शुरू कर दिया, परंतु नेपोलियन ने जो युद्ध के लिए नीति बनाई थी
इसके सैनिक उसी प्रकार शत्रु के सामने पूर्ण रूप से आक्रमण न करने केवल हमला करने का दिखावा कर रहे थे, जिससे युद्ध की स्थिति ही उलट गई। अब नेपोलियन ने वेलिंगटन के मध्य भाग पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया, किंतु उसे दाहिने पार्श्व के पर्शियन सेना के आने का समाचार मिला तो उसने इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने सेनापति गाउची को बुलवाया तथा अपनी एक टुकड़ी दाई पार्श्व की सुरक्षा के लिए लगा दी। अपने सेनापति ने को भी तुरंत आक्रमण का आदेश दिया, परंतु शत्रु का दबाव बढ़ जाने के कारण उसे लौटना पड़ा। वेलिंगटन की सेना काफी आगे बढ़ गई थी, अतः उसे काफी हानि उठानी पड़ी। जैसे ही नेपोलियन को यह पता चला कि उनके स्वयं के सेनापति ने उसके साथ विश्वासघात किया है, वह उसकी सहायता के लिए युद्ध भूमि नहीं उतरेगा, तो नेपोलियन ने युद्ध को रोकने की सोची और युद्ध के रुकते रुकते दोनों ही पक्ष कमजोर पड़ चुके थे व उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। नेपोलियन का इरादा यह था कि ब्लूमर की सहायता के पूर्व ही वेलिंगटन पर जोरदार आक्रमण कर दिया जाए, जिसके लिए उसने अपनी व्यवस्था शुरू कर दी तथा इसी के साथ भीषण गोलाबारी भी आरंभ कर दी। फ्रांसीसी सेनापति ने बिना नेपोलियन की आज्ञा के ही बाई पार्श्व पर अश्वारोही सेना द्वारा आक्रमण कर दिया तथा जोश में आकर वेलिंगटन के तोपखाने पर भी अधिकार कर लिया, परंतु उसके तोपखाने को नष्ट न करके पैदल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के जवाब में वेलिंगटन की अश्वारोही सेना ने फ्रांसीसी सेना को पीछे खदेड़ दिया तथा अपनी तोपों पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु पैदल व अश्वारोही सेनाओं तथा तोपखाने का एक साथ उपयोग न हो सकने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया। नेपोलियन ने पैदल सेना को जब आगे बढ़ाया तो उसे भी बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। इस दौरान नेपोलियन अपनी सेवा का उत्साह बढ़ाने के लिए चारों ओर घूम रहा था। उसने इसी समय सेनापति ने को लाहाई सेंटे पर अधिकार करने का आदेश दिया। इस कार्यवाही में सेनापति ने को सफलता भी मिल गई, परंतु उसके सैनिक बुरी तरह से थक चुके थे। इसी कारण उसने नेपोलियन से तुरंत सहायता देने का अनुरोध किया, परंतु दुर्भाग्यवश नेपोलियन सहायता नहीं दे सका। यदि ने को नेपोलियन की सहायता मिल जाती तो निश्चय ही वेलिंगटन पराजित हो जाता। स्थिति की गंभीरता का अध्ययन करके वेलिंगटन ने स्वयं इस नाजुक मोर्चे को आकर संभाला, जो नेपोलियन के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुआ। यही नेपोलियन की दूसरी भारी भूल सिद्ध हुई। नेपोलियन की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसे दाहिने तथा पीछे दोनों चारों तरफ से शत्रु के आक्रमण का डर था। इसी वजह से वह ने को उस समय सहयोग नहीं दे सका जब उसे जरूरत थी। बाद में उसने ने की स्थिति को संभालने के लिए गार्ड की 8 बटालियन भेजी, परंतु तब तक ने की स्थिति कमजोर पड़ चुकी थी, क्योंकि अगले अभियान में सेनापति ने को कोई सफलता नहीं मिली बल्कि भारी हानि उठानी पड़ी। जिस समय फ्रांसीसी सेना का वेलिंगटन पर अंतिम आक्रमण होने वाला था, उसी समय वेलिंगटन को सैनिक सहायता प्राप्त हो गई थी, जिससे उसने फ्रांसीसी दलों को खदेड़ दिया। वेलिंगटन ने शत्रु को अस्त व्यस्त देखा तो अपनी सेना को अंतिम आक्रमण का संकेत कर दिया तथा अपनी लगभग समस्त अश्वारोही सेना के साथ शत्रु पर टूट पड़ा। परिणाम स्वरूप नेपोलियन की सेना को पराजित होना पड़ा। सैनिक पीछे की ओर भागने लगे, परंतु मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन तथा उसकी सेना को भागने नहीं दिया। 15 जुलाई 1815 ईस्वी सन को एक ब्रिटिश नौसेनापति के समक्ष नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर 3 सैनिक अधिकारी, 1 चिकित्सक तथा 12 सेवकों के साथ बंदी के रूप में रखा, जहां लंबी बीमारी के कारण 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध ने यूरोप के इतिहास को तो बदल के रख दिया, परंतु इस युद्ध में माल की बहुत हानि हुई। यहां तक कि निरंकुशवाद और प्रजातांत्रिक प्रणालियां उत्पन्न होने लगी। इस युद्ध ने ब्रिटिशों को बहुत ही सम्मान दिलाया और साथ ही उनकी बहुत प्रसिद्धि भी की। यूरोप में एक बार सैनिक वातावरण में शिथिलता आ गई। नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप में प्रतिक्रियावाद का बोलबाला रहा और यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतियां हुई। स्वीडिश, रूसी, स्विज, जर्मन, ऑस्ट्रियन, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, सभी जो नेपोलियन के कठोर शासन से तंग आ गए थे,
सभी देख सम्मिलित होकर अपने स्वाभिमान एवं राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गए। सर्वत्र राष्ट्रीयता उत्तेजित हुई। एक आधुनिक जर्मन विकार की आलोचना इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। नेपोलियन एक भीषण उल्कापात की तरह आया और लुप्त हो गया। उसने जितना बनाया उससे अधिक नष्ट किया, परंतु अंततः यह मानना पड़ेगा कि उसने अलसा यूरोप को नींद से जगा दिया और राष्ट्रों की भावी एकता का मार्ग दिखाया। दोस्तों, आपको वाटरलू संग्राम का यह वीडियो कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आप दूसरा कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिखें, हम अवश्य उस पर एक वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।